गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और आज मम्मी की दवाई लेने हम लोग कुछ जा रहे थे बाहर। संडे का दिन है तो हम लोगों ने सोचा साथ ले चलते हैं आपको। मौसम भी अच्छा हो रहा है, थोड़ा सांस ले लेंगे, काफ़ी दिन से पड़े हुए हैं। अभी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली की ओर जा रहे हैं, देखते कहाँ जाते हैं और आपको साथ ले चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे मेट्रो का कार्ड रिचार्ज करवा दिया हम लोगों ने, बना लिया था। तो गुड़गांव में एक ही मेट्रो आती है जिसका नाम है हुडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन। यहाँ से आप दिल्ली की ओर जा सकते हैं, जो हम लोग अभी लेके जाने वाले हैं टिकट। और ये पूरा नोएडा, गाज़ियाबाद सब तक मेट्रो जाती है। तो दोस्तों, दिल्ली आके दीप्ति भी दिल्ली वाली हरकतें करने लगी है, दिल्ली वालों जैसी। इसने मेरे साथ धोखा कर दिया एक बहुत बड़ा। मेरा मन था अभी कुतुब मीनार जाने का, मेरी थोड़ी सी आँख लग गई, और इसका मन था सरोजनी जाने का। तो इसने कुतुब मीनार पे मेरे को उठाई नहीं मेट्रो स्टेशन पे, और चुपचाप आगे बढ़ गई मेट्रो। पता नहीं चला गाइस। नहीं, और कुतुब मीनार से स्टेशन आगे बढ़ गई, और अब हम लोग उतर गए सरोजनी पे। और इसने धोखा कर दिया, चुपचाप देखा कि वो स्टेशन जा रहा है तो जाने देते हैं, उतर ही नहीं। तो धोखा हुआ है मेरे साथ बहुत बड़ा यहाँ पे। और चलिए, कोई बात नहीं, आपको बहुत बड़ी बात है, सरोजनी आ चुके हैं अब हम लोग। तो इस धोखे के साथ धोखे वाला सरोजनी घुमाते हैं आपको, और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। संडे है, काफ़ी भीड़ है। ये देखिए, पीछे मेट्रो का जस्ट एग्जिट है, और लाइन से यहाँ पे या तो गोलगप्पे या तो दही भल्ले चाट वाले हैं। देखिए कितनी भीड़ है। और सरोजनी नगर का अपना मार्केट है, ठीक है, ये भी है फेमस यहाँ पे। तो सरोजनी का अपना मार्केट है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक मेन एंट्री गेट है। कुछ खरीदना तो ऐसे है नहीं। और जिनको नहीं पता, बेसिकली सरोजनी जो है वो एक कपड़ों की मार्केट है। घुसते घुसते तृप्ति ने सामान लपेट लिया, एक ये 40 का क्लिप। तृप्ति को ये चूड़ियाँ पसंद आ रही है। कितने की तृप्ति? 250 की है, मस्त लग रही है, बहुत ज़्यादा, ऐसे पे मज़ा आ जाएगा। तृप्ति ने अभी यहाँ पे सामान बिनना स्टार्ट कर दिया दोस्तों। घुसते ही तृप्ति ने ढेर सारा कूड़ा बिन लिया है, और बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। गर्मी भी हो रही है इतने लोगों के बीच में, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बट इसका मन था कुछ शॉपिंग के लिए तो चले आए। बहुत सारी यहाँ बहुत सारी वाइट शर्ट्स हैं। तृप्ति ने उसमें से एक वाइट शर्ट ले ली है सिर्फ 100 रुपीज़ में। और किसी के साथ भी बेयर कर सकती हूँ, तो हमारा होपफुली कूड़ा बिनने का सिलसिला जारी है। यहाँ से कूड़ा बिनते जाएंगे, कूड़े के बीच में चलते जाएंगे। यहाँ पे दीप्ति को घर पे पहनने के लिए पैंट्स मिल गए हैं, इसने ये भी ले लिए। कितने में दीप्ति? 200 ईच। लेगी प्लाजो। गाइस देखिए, इतने अच्छे प्रिटी कलर्स हैं, सारे पेस्टल शेड्स, और ये मिले सिर्फ 25 रुपीज़ में एक सॉक्स, और साथ में अंकुर को भी मिल गया। कसम खा के आया था कि कुछ नहीं लूँगा यहाँ से, लेकिन दीप्ति ने मुझे 60 रुपये में 3 मोज़े दिला ही दिए, 20-20 रुपये के एक। और वैसे भी मोज़े कहाँ ही हम लोग ज़्यादा पहनते हैं, और इतने अच्छे शेड्स मिल रहे हैं, जब 20-25 रुपये शेड्स भी मिल रहे हैं तो ले लिया। ये देखिए दोस्तों, साड़ियों के नाम मूवीज़ पे हैं। कटप्पा, कच्चा बादाम, पठान, 650 में आदि पुरुष, 650 में आदि पुरुष। तो जितने भी टिकट मिल रहा है आपको मूवी का, उससे सस्ते में यहाँ पे साड़ी मिल जाएगी। गाइस, अंकुर ने डिसाइड किया था कि वो कुछ नहीं लेगा, और यहाँ पे आते ही देखिए एकदम उसने अपना सीधे टेम्पर्ड लगवा लिया, अभी उसको सस्ता मिल गया लग गया है। और उसके फ़ोन का टेम्पर्ड मिल भी नहीं रहा था। पिछले साल अमृतसर में चेंज करवाया था मैंने, यहाँ पे लगभग 200 दिया था, और अभी यहाँ पे मिल गया 150 में। बढ़िया, पनीर भी है क्या? तृप्ति को लगी भूख तो खा रही है ये वेज मोमोज। तो सरोजनी से अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ मन करता है, कहाँ जाते हैं, बहुत गर्मी है। तो सरोजनी बेसिकली क्या है कि आपको सस्ते दाम में कपड़े मिल जाते हैं, क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं है, बट इतने सस्ते दाम में मिलेंगे कि एक दो बार भी पहन लिया तो यू डन फॉर। कपड़ों से ज़्यादा बाकी चीज़ें यू कैन टेक, जैसे एक्सेसरीज में शूज़ हो गया, और आपकी ज्वेलरी वगैरह, वो सब यहाँ से ज़्यादा बेटर है लेना कम्पेयर टू कपड़े। तो गेट नंबर 1 से सीधे आप निकलेंगे या घुसेंगे तो सरोजनी के साइड आएंगे आप। यहाँ पिंक लाइन से येलो लाइन पे जाने के लिए देखिए जमीन पे मार्किंग ऐसी, तो बस आप इसको फॉलो करते जाइए और आप पहुंच जाइएगा। गाइस, अभी हम लोग आ गए हैं चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन। ये पुरानी दिल्ली मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से असली दिल्ली जो है वो पुरानी दिल्ली है। तो हमने सोचा कि कुछ आपको झलकियाँ वहाँ के दिखाते हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो। यहाँ का खाना बहुत ज़्यादा फेमस है, तो कुछ खाने की चीज़ें देखेंगे। भीड़ भड़कम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो कुछ वो भी देखेंगे, और कुछ स्वाद के नगमे चखते हैं यहाँ पे, और आपको भी दिखाते हैं। गाइस, अभी पहुँच चुके हैं चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन, देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या प्लेसेस हैं।
और अभी यहाँ पे हम लोग निकल ही रहे थे तो देखा, हमने देखे हैं बहुत सारे लोग ऐसे ही आके भीख मांग के रहते हैं, बट हमने यहाँ पे देखा कि एक भैया हैं डिसेबल्ड हैं बट स्टिल मेहनत करके कमा रहे हैं, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएट करते हैं हम इनके एफर्ट्स को। तो अभी यहाँ से उतर के हम लोगों ने एक टोटो कर लिया, ये हम लोगों को जामा मस्जिद के पास ले जाएगी जहाँ पर मेजर इंट्री है। करीम्स मन है अभी जाने का, पर करीम्स पहली बार कई बार गए हैं खाने के लिए। करीम्स वही जगह है जहाँ से मुगलई क्विज़ीन इन्वेंट हुआ है, और जनरली कोई ना कोई सेलिब्रिटी आपको वहाँ मिली जाता है। वन ऑफ द फेवरेट है, वन ऑफ माय फेवरेट जगह है। छोटी सी जगह है एकदम, बैठने बैठने की ज़्यादा, मतलब गुड फूड, मतलब नो फ्रिल्स इस टाइप की जगह। बट देखते हैं अगर वहाँ कुछ मिल जाता है, नहीं तो और भी वेजिटेरियन ऑप्शंस भी कहीं हैं यहाँ पे, एक से एक, जो आपने सुना लोटन के छोले कुलचे दही भल्ले। तो टोटो से हम लोग आ चुके हैं अभी, जामा मस्जिद है हमारे पीछे, यहीं पे अगल बगल सारी दुकानें हैं जहाँ पे खाने वाने की चीज़ मिलती है। चलते हैं अभी कहाँ, करीम्स। भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी उस रोड पे आ गए हम लोग जहाँ पे खाना मिलता है, और एक से एक फेमस जगह है। ये देखिए अल जवाहर है, यहाँ पे अल जवाहर भी बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, और अभी हम लोग यहाँ जाने वाले हैं वो करीम्स। करीम्स इज सेड टू बी द इन्वेंटर ऑफ मुगलई क्विज़ीन। लेट्स सी, ये देखिए कितनी भीड़ है, हर जगह सिर्फ खाने की जगह है। मोहब्बत का शरबत है, ये भी काफ़ी फेमस है, और जस्ट इसके पीछे जामा मस्जिद है। तो जामा मस्जिद के सामने वाले जो मेन एंट्रेंस है उससे सीधे वाली रोड आप ले लेंगे तो अभी आप पहुँच जाएंगे टीम जेंसा स्ट्रीट, यहाँ से आपको अंदर जाना है। और काफ़ी पतली सी गली है करीम्स पहुँचने के लिए, काफ़ी इस नाम से भी खोल रखा है, बट जो जेन्युइन दुकान है वो यही है। ये देखिए करीम्स, और अंदर जाके आपको सीटिंग एरिया मिल जाएगी यहाँ पे। यू हैव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, और ऊपर भी आप बैठ सकते हैं। तो गाइस अभी अंकुर ने ऑर्डर तो कर दिया है, एंड अभी इनके मेन्यू के पीछे लिखा हुआ है कि टाइम्स मैगजीन रैंक्स करीम इज टॉप रेस्टोरेंट्स इन एशिया, तो काफ़ी बड़ी बात है। एंड ये प्लेस चलती भी काफ़ी है, इन्होंने एक से पांच बना दिए हैं अपने प्लेसेस जहाँ पे बैठने वाले, छोटा सा प्लेस हुआ करता था, अब आमने सामने पांच जगह हैं। रेट्स भी काफ़ी अफोर्डेबल है इनके, और वेज के लिए तो इतना ऑप्शन नहीं है, बट हाँ जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं उनके लिए तो ये जन्नत है। खाना भी आ गया बोलते बोलते, ये आ गई हमारी सीख कबाब कोरमा, और ये है हमारी करी, और साथ साथ रुमाली रोटी आ गई है। तो मैं ऐसे बहुत मुगलई रेस्टोरेंट में गया हूँ, जैसे कि अल जवाहर है, फिर लखनऊ में आपके टुंडे कबाबी हैं, सब बहुत अच्छे हैं, बट करीम्स का जो टेस्ट है उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता। लेकिन अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से बैठने का और बहुत अच्छी सर्विस की सब एक्सपेक्ट ना करें, अच्छा खाना खाएं, थोड़ा सा बैठे बैठे ऐसा देखिए कैसे जगह बैठी हुई दिखती, बट खाने का कोई जवाब नहीं। तो गाइस अभी अंकुर को मिल चुका है उसका फेवरेट खानों में से कुछ चीज़ें, तो बहुत ही खुश होकर वो खा रहा है, और मैं भी जाऊँगी मैकडॉनल्ड्स तो वहाँ पर खाऊँगी। खाना खा लिया है, बिल आया लगभग 1100 रुपये, सिर्फ मेरा जब तीन कुछ नहीं खाया यहाँ पे, क्योंकि इसको खाना है मैकडॉनल्ड में। ढूंढते मैकडॉनल्ड्स कहाँ पे है, करीम देखिए गलियों में है, यहाँ पे भी बैठने की जगह है, यहाँ पे भी बैठने की जगह है, और यहाँ पे भी बैठने की जगह है जहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे अभी। तो जब भी आप आएँ करीम्स के नाम पर दिल्ली में बहुत सारी जगह मिल जाएगी आपको, बट अगर आपको सच में करीम्स में खाना है तो ये गली में जो जगह है यही असली जगह है। यहाँ पर देखिए ऐसे सर्व करते हैं यहाँ पर के। हम लोग फिर जा चुके हैं मेट्रो स्टेशन की ओर चावड़ी बाज़ार, भूख मिट गई है, अब ज़्यादा ताकत नहीं है घूमने की, किसी और दिन आएंगे तो आपको पूरा दिन में घुमाएंगे। ये देखिए एक से एक खाने की जगह है यहाँ पे। हम लोग आ गए हैं मेट्रो स्टेशन पे वापस, दिप्ति का मैकडॉनल्ड्स ढूंढना है, पता नहीं दिल्ली में खाएंगे या गुड़गांव में, बट मैकडॉनल्ड्स में इसको खिला करेंगे क्योंकि इसका मन है। अभी पहुंच गए हैं कहाँ तृप्ति, गुड्डा सिटी सेंटर का मेट्रो, ये गुड़गांव का लास्ट स्टेशन है, यहीं से हम लोग चले भी थे और यहीं पहुंच भी गए हैं। लगभग एक घंटे लग गए हम लोगों को आने के लिए, और दिल्ली में ये है कि इतना आज हम लोग घूमे इधर उधर गए और पड़ा है दोनों लोगों का मिला के 250 रुपये, तो ये एक बहुत ब्लेसिंग है। एक सेकेंड, बहुत भीड़ है यहाँ पर, ये एक बहुत ब्लेसिंग है दिल्ली में रहने की। ऑफकोर्स बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी हैं दिल्ली में रहने की, बट ये एक ब्लेसिंग है कि 250 रुपये में इतना घूम लिए। किसी और शहर में मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतना घूम सकते हैं।
₹250 में। बैंगलोर में अगर आप जाएंगे तो मोहल्ला चेंज करने में आपको ₹250 की कैब लग जाएगी, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब तृप्ति को मैकडॉनल्ड्स पे खाना है, तब से इसका मन है, तो मैकडॉनल्ड्स पहुँचते हैं कहाँ पे और चलते हैं कहाँ पे तृप्ति? मैकडॉनल्ड्स। और चूँकि इतने सारे लोग यहाँ आते हैं, हुडा सिटी सेंटर में फुटफॉल है, तो यहाँ पे उन्होंने पूरा मॉल जैसा बना दिया। ये देखिए मैकडॉनल्ड्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। और यहीं पे अभी अभिषेक आने वाला है जो तृप्ति का भाई है, और हम लोग देखते हैं अब खाएंगे, क्योंकि उसको भी मैकडॉनल्ड्स में खाना था तो उसको भी खिलाना है। हाँ। उसको हम लोग छोड़ के चले गए थे आज मम्मी के पास, उसने मम्मी का बहुत ख्याल रखा है, तो अभी हम लोग जाएंगे ख्याल रखने और उसको तब तक खिलाते हैं यहाँ पर बुला के। तो मैकडॉनल्ड्स में खा लिया तृप्ति का, बहुत देर से मन था जैसा आपने देखा यहाँ पे, और चश्मा भी लगा लिया अभिषेक ने भी। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, खा लिया है। तो आज का ब्लॉग हमारे यहीं तक था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सिचुएशन थोड़ी डाइसी है तो ऑन एंड ऑफ ब्लॉग्स बना रहे हैं हम लोग, जो भी आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितने भी आपके मैसेज आए पिछले ब्लॉग में, थैंक यू सो मच। फील ग्रेट टू नो कि आप लोग हमारे साथ हैं। कुछ और नए कंटेंट लेके आएंगे आप तक बहुत जल्दी, तब तक मिलते हैं अगले ब्लॉग में।